नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। चार दिनों के जद्दोजहद के बाद आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। एनसीपी की समिति द्वारा शरद पवार के इस्तीफे को खारिज करने का प्रस्ताव पारित करने और उन्हें पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करने पर उन्होंने पार्टी प्रमुख पद छोड़ने का अपना फैसला वापस लिया है। शरद पवार द्वारा इस्तीफा वापस लेने की घोषणा के बाद मुंबई के यशवंत चौहान केंद्र और एनसीपी कार्यालय के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि कार्यकर्ता ढोल ताशे बजाकर जश्न मनाते नजर आए। जब शरद पवार इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर रहे थे, उस दौरान उनके भतीजे अजीत पवार वहां मौजूद नहीं थे। अजीत पवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अन्य लोग यहां हैं, समिति ने यह निर्णय लिया है, उनके निर्णय के बाद मैंने अपना फैसला वापस ले लिया है और सभी लोग एकजुट हैं। शरद पवार ने मंगलवार को एक बुक विमोचन कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, जिसके बाद से एनसीपी नेता और कार्यकर्ता लगातार उनसे इस्तीफा वापस लेने और पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की आग्रह कर रहे थे, जिसके बाद शरद पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस्तीफा वापस लेने के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आपके प्यार और सम्मान के कारण मैं पार्टी प्रमुख के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले को वापस ले रहा हूँ। मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। आपके प्यार के कारण मैं अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग और राकंपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का सम्मान कर रहा हूं। पुस्तक का विमोचन था, उस कार्यक्रम में अचानक स्टेज पर से ही अनाउंसमेंट किया कि मैं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और शरद पवार साहब ने एक कमेटी का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने आगे की कार्रवाई के लिए फैसला करना चाहिए। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में। देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को, मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता हैं, मान्यवर हैं, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पिछले 3 दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है और ये नज़ारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की और हमने सबने यूनैनिमसली सर्वानुमति ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है। और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनंती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष या संदर्भात त्यांनी घेतलेला निर्णय की जो माझ्यापर्यंत पोचवण्यात आला, या सर्वांचा विचार करून मी पुन्हा अध्यक्ष म्हणजे राहावे या निर्णयाचा
भगवान राखून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष जाऊन निवृत्त होण्याचा निर्णय वाटे घेत आहे.